अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स एंड बॉयज़। दिस लेक्चर इज़ रिकॉर्डेड बाय फ्रॉम सरहद एजुकेशन सिस्टम पेशावर कैंट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर फॉर ग्रेड 4। ओके गर्ल्स एंड बॉयज़, जैसे कि हम टुडे जो है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज़ लैंग्वेज, व्हाट इज़ ग्रामर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ग्रामर, ठीक है। ग्रामर क्या है, किसी भी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को जो है हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। जब हम किसी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रामर के साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या है कि यानी कि एक चीज़ जो है हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स से आई है, ठीक है। ऑथेंटिक सोर्स है यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन लैंग्वेज के सेंटेंस बनाने के लिए, एक्ट वॉइस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी जितने भी लैंग्वेज के रूल्स हैं उनके लिए जो अप्लाई होते हैं यूरोप में या किसी भी फॉरेन कंट्री में, वही रूल्स जो है वो हमारे कंट्री में भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी का कॉन्सेप्ट जो है वो बाहर भी और पाकिस्तान में भी जो है तो वो रेफर फॉर फीमेल जेंडर, और ही का कॉन्सेप्ट जो है यानी कि ही का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, फॉर रेफरिंग मेल जेंडर के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट ही और शी का जो है तो यूरोप में उलट है और पाकिस्तान में जो है तो वो कोई और सोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है दोनों के। हम देखते हैं क्लास 4, आप लोगों के पार्ट ऑफ स्पीच हैं। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन आवर इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट हमारे पास है नाउन। नाउन जो है बच्चों क्या है कि किसी भी चीज़ का नाम जो है वो क्या है, नाउन है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ एनी थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज़ का नाम जो है वो क्या है, नाउन है, ठीक है, इसम है। और प्रोनाउन क्या है कि जब हम किसी चीज़ के प्रोनाउन यानी कि व्हेन वी यूज़ सम वर्ड और समथिंग इंस्टेड ऑफ नाउन, जब हम किसी वर्ड को नाउन से मतलब रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ हंग्री। अब शी क्या है, प्रोनाउन है, और नाउन इसका क्या होगा, सारा और सबा, ठीक है। सबा इज़ हंग्री, और जब हम इसको प्रोनाउन लिखेंगे तो हम सारा के बजाय हम क्या लिख लेंगे, शी लिख लेंगे। वर्ब, वर्ब क्या है, हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें हम काम करते हैं, काम इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है। काम जो है वो रनिंग भी है, जंपिंग भी है, वॉकिंग भी है, स्लीपिंग भी है, ईटिंग भी है, ठीक है, एनीथिंग, रनिंग भी है। किसी भी चीज़ में जब हम एक्शन वर्ड्स यूज़ करते हैं, एक्शन वर्ड्स को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। अच्छा, अब है हमारे पास एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब हमें मोर डूइंग एक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है कि किसी भी ही और शी प्रोनाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ हमें बताता है, ठीक है। नाउन को डिस्क्राइब करता है कि किस तरह है, ठीक है, मतलब काम हुआ है तो वो किस तरीके से हुआ है, लड़का है लड़की है तो वो किस टाइप की है, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, यानी कि उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं हमें, ठीक है। प्रीपोजिशन जो है वो, प्रीपोजिशन जो है हमारे पास, आपको क्या पता है कि प्रीपोजिशन जो है हमारे पास इस अ वर्ड है दैट टेल अस, हमें क्या बताते हैं कि वर्ड्स के बारे में रिलेशन उनका बताते हैं। फॉर एग्जांपल, कि एक चीज़ जो है वो कहाँ पर पड़ी है, बुक जो है इन द ऑन द टेबल है, इन द टेबल है, बिसाइड है, नियर है, मतलब ठीक है, उनकी पोजीशन आपको बताते हैं। और कंजंक्शन जो है वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, कंजंक्शन आपको पता है ना, कंजंक्शन को क्या कहते हैं, इस ऑल्सो कॉल्ड अ कनेक्टिव वर्ड्स, ठीक है। कंजंक्शन जो है वो क्या है, कनेक्टिव वर्ड्स भी इनको कहते हैं, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है। और इंटरजेक्शन जो है वो हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन को बताते हैं। इमोशन कैन बी पॉजिटिव, इमोशन कैन बी नेगेटिव। जब हम इंटरजेक्शन की बात करते हैं तो इंटरजेक्शन जो है वो बेसिकली क्या है, हमारे इमोशन को बताते हैं। इमोशन हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलास, अब ये अफसोस के वर्ड्स हैं, ठीक है, अलास। हुर्रा, ये खुशी के वर्ड्स हैं, वाओ, हुर्रा, ठीक है, ब्राओ, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, जब हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इस फीलिंग्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और फीलिंग जो है वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। अब आते हैं हम बुक्स पे, ठीक है, बुक पे आते हैं। आपकी बुक पेज नंबर 9 पे आपका चैप्टर है 4, पार्ट ऑफ स्पीच का, ठीक है। अब हम बुक पे आते हैं, और बुक में जो है थोड़ी सी डिटेल में आपको बताती हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच, वट एवर वी स्पीक और से इज़ कॉल्ड स्पीच, कि जो भी हम कहते हैं, ठीक है,
वो क्या होते हैं, हमारे स्पीच होते हैं. वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड टू मेक सेंटेंस. दीज वर्ड कैन बी डिवाइडेड इन टू 8 ग्रुप्स. मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि देयर आर 8 ग्रुप्स और 8 काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. नाउन क्या है? द नेम ऑफ एनी थिंग. फॉर एग्जाम्पल, मैन, कैट, बुक, गार्डन. ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम जो है वो क्या है, हमारे पास नाउन है. ठीक है, प्रोनाउन, अ वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा. वर्ब, अ वर्ब क्या है? अ वर्ब दैट एक्सप्रेस इन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. मैंने आपको बताया है जैसे कि स्टार्ट में कि वर्ब क्या है, हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं. स्विम करना, रन करना, वॉकिंग, जंपिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे पास वर्ब कहलाते हैं, एक्शन वर्ड्स हैं. फिर है एडवर्ब. एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट दी वर्ब, कि हमें मोर डिटेल देता है वर्ब के बारे में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, जो एडवर्ब है उसकी एग्जाम्पल क्या है? स्लोली, नाइसली, यानी कि काम हुआ है कैसे, स्लोली हुआ है या फास्टली हुआ है, फास्ट तरीके से हुआ है. तो एडवर्ब हमें बताता है कि काम जो है वो किस तरीके से हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि शी राइट्स अ लेटर वेरी नाइसली. ठीक है, वो लेटर लिखती है, फॉर्मल लेटर है, इंग्लिश किसी भी स्कूल प्रिंसिपल के लिए लेटर है, फॉर एप्लीकेशन है, फॉर फी कंसेशन है, या सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट है, जिसके लिए भी आप राइटिंग करती हैं. ठीक है, लेटर्स वगैरह लिखते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. ठीक है, तो वो अगर मैं कहूँ कि उसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? नाइसली, तो वो एडवर्ब हो जाएगा. ठीक है, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या करता है? कि किसी भी नाउन की जो है वो हमें क्वालिटी बताता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, गुड है, स्मार्ट है, अगली है, एटसेट्रा. प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल अस पोजिशन ऑफ वन थिंग इन रिलेशन टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, एट, इन टू, अंडर, अबव, एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, बुक इज ऑन द टेबल है, इन है, अबव है, अंडर है, कहाँ पे है, ये उसकी पोजिशन बताते हैं. कंजक्शन क्या होते हैं? कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एंड, सो, बिकॉज, एटसेट्रा. इंटरजेक्शन क्या है? मैंने आपसे क्या कहा है बच्चों, कि इंटरजेक्शन जो होते हैं वो क्या एक्सप्रेस करते हैं? हमारे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे एक्सप्रेशन, इमोशंस. फॉर एग्जाम्पल, इमोशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. अलास, हुर्रा, वाव, ब्राव, आह, ओह, एटसेट्रा जो है हमारे पास क्या है? इंटरजेक्शन है. ओके, गर्ल्स एंड बॉयज, ओके, गॉट इट. ओके, अब जो है हमने प्रैक्टिस करनी है इसकी बुक पे ही. ओके, अब पेज नंबर 10 पे जो है आपने ये ब्लैंक्स इसके फिल करने हैं, ये बुक वर्क है. ठीक है, ओके, स्टार्ट में है आपकी प्रैक्टिस. ये देखें, प्रैक्टिस हमने करनी है बुक में. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मेंट बाय पार्ट ऑफ स्पीच, राइट देयर नेम्स. ठीक है, हमने पार्ट ऑफ स्पीच के नेम्स लिखने हैं और हमने इसकी डिफिनेशन बतानी है कि इसका मतलब क्या है पार्ट ऑफ स्पीच. व्हेन वी यूज़ डिफरेंट वर्ड्स, When we use different words to make sentence, जब हम different words को इस्तेमाल करते हैं और make sentences, कोई जुमला बनाते हैं, तो is called noun. तो उसको हम क्या कहते हैं, noun नहीं, When we use different words to make sentence is called part of speech. तो हम part of speech इसको कहते हैं. ठीक है, अच्छा, अब first of all हमारे पास सबसे पहला जो word है part of speech का, वो क्या है? Noun, pronoun, verb, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. फिर से देखें, व्हेन वी यूज डिफरेंट वर्ड्स टू मेक सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच. देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, गर्ल्स एंड बॉयज, इधर देखें, देखें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड मार्क द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पीच इन ईच सेंटेंसेस. हमने इस पैराग्राफ को रीड करना है. ठीक है, और नीचे यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं हमने फिल करना है कि ये
पैराग्राफ में जितनी भी वर्ड्स हैं वो हमारे पास नाउन की काइंड है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है हमारे पास. फॉर एग्जांपल हाईली, अब फर्स्ट में हाईली आपने लिखना है और ब्रैकेट में इसके साथ आपने क्या लिखना है, एडजेक्टिव. कि हाईली का जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है. फिर है स्किल्ड, स्किल्ड हमारे पास एडजेक्टिव है. कारपेंटर, कारपेंटर हमारे पास नाउन है. फिर है ओल्ड, फोर वर्ड देखें, ओल्ड, ओल्ड हमारे पास एडजेक्टिव है. और फिर एंड, एंड हमारे पास फिफ्थ में देखें, फिफ्थ वर्ड जो अंडरलाइन हुआ है वो हमारे पास है कंजंक्शन. रेडी, रेडी वर्ब है. टू प्रीपोजिशन है, रिटायर एडजेक्टिव है. प्रोनाउन नाइन वर्ड पे क्या है, नाइन का वर्ड्स देखें, ही ये हमारे पास प्रोनाउन है. सेकेंड टेन टोल्ड, टेंथ पे हमारे पास क्या है, वर्ब. इलेवेंथ वर्ड हमारे पास प्रोनाउन है. ट्वेल्थ का जो वर्ड है एम्प्लॉयर, वो हमारे पास नाउन है. थर्टीन वर्ड लीव, ये हमारे पास वर्ब है. फोर्टीन पे जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन है, सॉरी इमोशंस है ना, सॉरी. अच्छा, और फिफ्टीन का जो वर्ड है सी, वो हमारे पास वर्ब है, देखना. एडजेक्टिव है हमारे पास 16, गुड, 16 एडजेक्टिव है. नाउन 17 हमारे पास वर्कर नाउन है, वर्ब है. 18 पे, 19 पे है प्रोनाउन. 20 पे है प्रीपोजिशन. 21 पे है वर्ब. 22 पे है नाउन. 23 पे है कंजंक्शन. और 24 पे है एडजेक्टिव. एक दफ़ा फिर देखें, वन हाईली एडजेक्टिव, स्किल्ड एडजेक्टिव, कारपेंटर नाउन, ओल्ड एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन, रेडी वर्ब, टू प्रीपोजिशन, रिटायर एडजेक्टिव. नाइन में है प्रोनाउन, वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, इंटरजेक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, नाउन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव. क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ओके. अब है हमारे पास पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 3. हमने क्या करना है कि राइट 3 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पीच. 8 आर्ट ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, हमारे पास. और हर पार्ट ऑफ स्पीच की हमने 3 एग्जांपल लिखनी है. फॉर एग्जांपल नाउन, नाउन की हम 3 एग्जांपल क्या लिखेंगे, अली, इस्लामाबाद, लॉइन. प्रोनाउन ही, शी, इट. वर्ब की हमने 3 एग्जांपल क्या लिखनी है, प्ले, सिंग, लाफ, सिंग. एडजेक्टिव, ब्यूटिफुल, रूड, वीक. एडवर्ब, फास्ट, आउटसाइड, हैवीली. प्रीपोजिशन, अंटिल, इनटू, अबव. कंजंक्शन, एंड, सो, एस. इंटरजेक्शन, वाव, हुर्रा, ओह. ठीक है, ओके. रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आपने अपने बच्चों को जो है तो इस चैप्टर की जो है वीडियोस बार बार दिखानी है, ठीक है. उनको इसकी रिहर्सल जो है तो आपने बार बार करवानी है, ठीक है. वीडियोस उनको बार बार दिखाएं. इन केस ऑफ एनी इशू, एनी प्रॉब्लम जो है तो आप फिर अपने आप लोगों का जो स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है तो आप अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चनिंग जो है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है. थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन.